असलकम कैसे आप सब लोग उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से काजू खीमा आज जो काजू खीमा मैं बनाने वाली हूँ ये रेसिपी मैंने हमारे इधर एक भटारा है शकील भटारिया हाँ। उससे मैंने ये रेसिपी को सीखी हूँ हम लोग ने एक दिन ये काजू खीमा मंगाई थी हमारे घर पर और मेरी शादी की जो सालगिर थी ना उसमें भी हम लोगों ने काजू खीमा रखे थे तो वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा था तो मैंने उनसे ये रेसिपी पूछ कर बना रही हूँ तो यहाँ पर मैंने ली हूँ कम से कम आधा किलो चिकन का खीमा आप मटन के खीमे में भी बना सकते हैं सबसे पहले हम चिकन के खीमे को मैरीनेट कर देंगे तो मैरीनेट करने के लिए यहाँ पर मैं डालूंगी एक चम्मच भर के नमक नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते उसके बाद में हम डालेंगे काली मिरी पाउडर आधा चम्मच साथ ही में जाएगा एक चौथाई हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर का इस्तेमाल थोड़ा कम करना है क्योंकि ये ग्रीन में होगा अभी इसी के साथ में डालेंगे दो चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है ना होम अदरक लहसुन का पेस्ट है इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पर मौजूद है तुम्हारे भाई नमाज पढ़ के आए उसके बाद में मुझे थोड़ा दम करने लगे थे हाँ। यानी पढ़ नमाज पढ़ के कभी भी आते हैं तो आसिफ और अशरफ और तुम्हारे भाई मुझे फूकते ही है हाँ। इसी के साथ में मैं डाल दूँगी इसमें दस रुपये का दही अभी मैं दस रुपये का ही दही बोलूंगी आप आधा वाटी दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं चलिए ना अभी दही में घर में जो जमाती हूँ ना वो वाला दही खत्म हो चुका था तो मैंने रेडीमेड ही पैक डब्बा मंगा के इसमें ऐड कर दी अभी क्या करेंगे इसे खूब अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से हाथों से इसे मिक्स करके एक साइड में रख देना है कम से कम आधे घंटे के लिए या एक घंटे के लिए जब तक का हम यहाँ पे दूसरे मसाले रेडी कर लेंगे दूसरे मसालों में कुछ नहीं है प्याज वगैरह हमें फ्राई कर लेना है और थोड़ा सा हरा धनिया पुदीना और हरी मिर्च को पीस के लेना है जब तक इसे आप पहले साइड में रख देना तो बाहर भी रख सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं अगर एक घंटे के लिए रखना है तो फ्रिज में रख दीजिए अगर आधे घंटे के लिए रखेंगे तो बाहर रखिए चलिए एक तरफ मैंने कड़ाई दी रख दी हूँ गर्म होने के लिए उसमें डाली हूँ मैंने छह चम्मच ऑयल ऑयल जैसी गर्म हो जाएगा तो चार से पाँच दालचीनी के टुकड़े और तीन तेज पत्ता हम इसमें ऐड करेंगे इसी के साथ में मैं इसमें ऐड करूंगी पाँच चार सॉरी चार मीडियम साइज के प्याज रफली कटिंग की हुई बारीक कटिंग की हुई चार प्याज डालना इसमें थोड़ा प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होगा है ना क्योंकि प्याज का ही मसाला इसमें बनेगा नहीं तो एकदम लगेगा तो चार मीडियम साइज की प्याज आप प्याज आप डाल दीजिए का कलर हम चेंज होने तक का प्याज को फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर हल्का सा चेंज हो हो चुका चुका है है यानी गोल्डन कलर जैसे ही हो गया उसके बाद में हम इसमें खीमा डाल देंगे खीमा डालने के बाद में बर्तन को अच्छी तरह से साफ करेंगे वेस्ट हमें कुछ भी नहीं करना है पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे अभी इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इतना अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है कि खीमा और प्याज एक हो जाना चाहिए ये देखिए इस तरह से गैस को हमें मीडियम पे रखना है बिल्कुल भी हाई पे नहीं रखना है गाइस आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है ना अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते रिप्लाई आपको मिल जाएगा मतलब बोली ना सिर्फ चलिए अभी इसके अंदर मैं डाल लूंगी मटर फ्रेश मटर अभी ठंडियों का मौसम है तो फ्रेश मटर ज़्यादा आपको मार्केट में मिल जाएंगे तो आप वो यूज़ कर सकते हो तो ये एक वाटी मैंने फ्रेश मटर डाली हूँ मटर डालने के बाद में हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मिक्स करके मीडियम गैस पे दो से तीन मिनट तक का पकाएंगे जब तक का एक मसाला बनाकर रेडी कर लेंगे इधर पे ली हूँ मैंने दस से बारह हरी मिर्ची हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं साथ ही में मैं डाल दूंगी एक मुट्ठी पुदीना और आधा मुट्ठी मैं इसमें नहीं एक हरा धनिया और आधा मुट्ठी पुदीना बराबर ना एक मुट्ठी हरा धनिया और आधा मुट्ठी पुदीना इसका कलर बरकरार रखने के लिए क्या एकदम ग्रीन दिखना चाहिए मेंटेन रखने के लिए मैं इसमें डालूंगी बर्फ के टुकड़े बर्फ के टुकड़े की जगह पे आप इसके अंदर ठंडा बर्फ़ का पानी भी यूज़ कर सकते हैं ना मुझे प्यास लग गई बर्फ़ देखकर मैं ठंडा पानी बहुत पीती हूँ चलिए अभी इसको पीस लेते हैं माशाल्लाह ये देखिए कलर देखिए इतना बेहतरीन कलर था कि इसके अंदर मुझे ग्रीन फूड कलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है ना चलिए अभी दो मिनट बाद हम ओपन करेंगे और इसे भी इस मसाले को इसमें ऐड कर देंगे ये देखिए कलर देखिए आप कलर देख ही समझ जाएंगे कि आपा का एक फार्मूला बहुत सही है क्या बर्फ़ या ठंडा पानी ऐड करने का पूरा कीमा ग्रीन हो गया था। ग्रीन हो गया अभी इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे दो से तीन मिनट तक का पकाते भी रहेंगे और मसाले को भूनते भी रहेंगे इसी के साथ में हम इसमें और भी सामने डालेंगे तो इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के धनिया पाउडर इसी के साथ में डालूंगी मैं जीरा पाउडर आधा चम्मच सीरा पाउडर फ्रेश लीजिए थोड़ा हल्का हल्का सा भून लीजिए और उसे कुचल के डालिए एक चम्मच गरम मसाला पाउडर जिसमें ऐड करेंगे माशाल्लाह होममेड गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर तेल का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना थोड़ा सा आप अमूल बटर भी डाल सकते हैं और ज्यादा अच्छा लगता है और दूसरी बात इसमें तरी दिखनी चाहिए जितनी अच्छी इसके अंदर तरी दिखेंगी ना उतना खाने में मजा आता है अभी इसमें डालेंगे हम आधा वाटी काजू और इसी के साथ में एक चम्मच भर के कस्तूरी मेथी हाथों से क्रश करके हम डाल देंगे हो गया ना एकदम सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दी है ना मसाले में मैंने क्या ली थी आप बरबर ध्यान दे देना थोड़ा बोलने में आगे पीछे हो गई आधे लींबू का रस निचोड़ के ऊपर से डाल देंगे बीज को निकाल कर फेंक देंगे और सारे न, रस को निचोड़ के इसमें डाल देंगे माशाला बहुत ही जबरदस्त बना था थोड़ा सा पानी डालूंगी एकदम सूखा सूखा सा खीमा मत रखना कम से कम मैंने ये पूरा खीमा बना

पाव को इसके ऊपर घुमा लीजिए ऐसे नीचे ऊपर मस्के मस्के में हाँ, मस्के में पाव पाव इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर या कस्तूरी मेथी पाउडर या थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपको डालना है तो भी आप डालकर खा सकते हैं है ना मस्त हाँ मस्त देखिए मैंने पाव को बीच में से कटिंग नहीं की अक्का ही पाव को मैंने अलग पलट करके फ्राई कर ली क्योंकि हमारे जो खीमे में है ना काजू खीमे में ऑयल ज्यादा है थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे देखिए ना माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन लग रहा है चलिए एक तरफ मैंने प्याज नींबू हरी मिर्ची टमाटर रखी हूँ एक तरफ मैंने रखी हूँ मेरा पाव थोड़ा सा हरा धनिया डाल के यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ काजू खीमा ऊपर काजू देखिए क्या बेहतरीन दिख रहा है कलर देखे बगर फूड कलर यूज किए हमारा खीमा इतना ग्रीन हुआ ग्रीन हुआ है। ग्रीन बनाया। और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना था काजू खीमे की क्या तारीफ करूँ इतना अच्छा बना था एकदम जबरदस्त अगर आप ये खीमा बना के खाएंगे ना तो आप भटारा को ऑर्डर देना भूल जाएंगे और दूसरी बात होटल में भी खाना भूल जाएंगे अभी मैं आपको काजू खीमा बात एक और एक बताऊंगी जो लाल में होता है ये ग्रीन वाला काजू खीमा है और लाल वाला खीमा मैं आपको अलग बताऊंगी तो चलिए गाइस अभी मैं आपको थोड़ा खा कर बताती हूँ इस तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फिर मिलती हूँ आपको अच्छी सी रेसिपी के साथ में बीच बीच में बताते बताते कभी कभी क्या हो जाता है ना मैं थोड़ा आगे पीछे पीछे से वॉइस हाँ। करती हूँ हो जाता है वो हो जाता है हो जाता है ना हाँ। फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो मुझे आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं जो चलिए बनाएंगे तो इंस्टाग्राम पे फोटो खींच के भेजना स्टोरी रख देंगे तो चलिए बिस्मिल्ला बोलकर मैं आपको खाकर दिखाती हूँ तो चलिए और इतना मस्त लगा था ना मैं तो बस आसिफ को तो बहुत पसंद आया ना आसिफ और पाव के साथ में इसे इंजॉय करना या तो नहीं तो नान या पराठे के साथ में बिस्मिल्ला जबरदस्त सुपर से भी ऊपर एकदम टेस्टी बनाता है ना हाँ, गाई और, हाँ हाँ मैं शादी में जा रही हूँ और मैं हल्दी में जा रही हूँ कुछ हमारे अः तुम्हारे भाई के रिश्तेदारों में फंक्शन है शादी का तो उधर मैं वो अटेंड कर रही हूँ तो वो ब्लॉग भी मैं आप लोगों को डाल रही हूँ तो वो ब्लॉग आप लोग देख सकते हैं अफरोज रेसिपी ब्लॉग पे है ना तो चलिए अल्लाह दुआ में याद रखना फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छे से रेसिपी